कक्षा 9 के समस्त छात्र छात्राओं का सामाजिक विज्ञान अध्याय भारत में खाद्य सुरक्षा के पाठ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोग को सार्वजनिक वितरण प्रणाली बताएंगे। कल आपको बताए थे बफर स्टॉक क्या था, आज इसमें बताएंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। तो सार्वजनिक वितरण में देखेंगे कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकान के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। तो राशन के दुकान के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करने की क्रिया क्या कहलाती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे पीडीएस कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस कहते हैं। इसमें देखेंगे सरकार सरकार द्वारा विनियमित राशन की दुकान के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित अनाज का वितरण करने की क्रिया अनाज का वितरण ही सार्वजनिक वितरण कहलाता है। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पांच लीटर मिट्टी का तेल चीनी एवं दालें दी जाती हैं। इसकी व्यवस्था की शुरुआत पश्चिम बंगाल के अकाल से उन्नीस सौ चालीस के दशक में हुआ
1940 के दशक से प्रारंभ हुआ। तो इसमें आपको बताया गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। इसमें हमने देखा कि सरकार द्वारा विनियमित राशन की दुकान के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में अनाज का वितरण ही सार्वजनिक वितरण कहलाता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मतलब प्रत्येक परिवार को प्रत्येक परिवार को 35 केजी अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 केजी चीनी एवं दालें दी जाती हैं। इस व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल से 1940 के दशक से प्रारंभ हुआ। इस व्यवस्था की निगरानी ग्राम प्रधान, लेखपाल और सेक्रेटरी करते हैं कि राशन का जो दुकानदार है वह उचित मात्रा में या उचित मूल्य पर उसको दे रहा है या वितरित कर रहा है कि नहीं। इन्हीं तीनों की देखरेख में यह राशन वितरित होता है, जिसे हम राशन या सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। काम के बदले अनाज कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जो पीपीएपी के माध्यम से चलाया जाता है, आदि ऐसे व्यवस्थाएं हैं जिसके माध्यम से सार्वजनिक वितरण या भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमा में जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत लगभग 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग परिवार में वर्गीकृत किया गया है। 75% जो है ग्रामीण में और 50% जो है शहरी क्षेत्रों के लिए चुना गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको इससे संबंधित कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में बताएंगे।